वफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान कर दिया। स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार कर लिए गए हैं। असातिज़ा और तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। असेंबली और खेलों की सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। आखिरकार तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया गया। वफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद ने हालात बेहतर होने की शर्त पर 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। स्कूलों को खोलने के हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOPs भी तैयार कर लिए हैं। SOPs को 6 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा का मास्क पहनना लाजमी होगा। रोजाना बच्चों और असातिज़ा का बुखार चेक किया जाएगा। बच्चों के हैंड वॉश के लिए अलग से जगह मुख्तस की जाएगी। स्कूलों को SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अलग से बजट नहीं दिया जाएगा। स्कूल्स नॉन सैलरी बजट से सफाई से मुतालिक सामान खरीदेंगे। स्कूल खुलने पर बच्चों को सिर्फ हिसाब, साइंस और अंग्रेजी के मजामीन पढ़ाए जाएंगे। बच्चों को मरहलावार स्कूल बुलाया जाएगा और क्लास रूम में डेस्क के दरमियान 1 मीटर का फासला रखा जाएगा। जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर।